शनिवार को रणधीर वर्मा चौक पर धनबाद जिला महिला कांग्रेस कमेटी के जिला अध्यक्ष सीता राणा के नेतृत्व में महंगाई के खिलाफ एक दिवसीय धरना दिया गया और केंद्र की मोदी सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई। वहीं जिला अध्यक्ष ब्रजेंद्र प्रसाद सिंह ने कहा कि आज भाजपा की गलत नीतियों के कारण जनता में असंतोष है, बेरोजगारी और नए रोजगार का सृजन होने से महंगाई की मार दो तरफा पड़ रहा है। उन्होंने ये भी कहा कि जब 5 राज्यों में चुनाव चल रहा था तो केंद्र सरकार ने महंगाई नहीं बढ़ाई, चुनाव खत्म होते ही लगातार महंगाई में इजाफा हो रहा है जिसे कांग्रेस बर्दाश्त नहीं करेगी। उन्होंने कहा कि जब तक महंगाई वापस नहीं होगी कांग्रेस का आंदोलन जारी रहेगा। उन्होंने ये भी कहा कि कांग्रेस हमेशा जनता की हक के लिए लड़ाई लड़ी है और आगे भी लड़ती रहेगी। महंगाई के विरोध में ये धरना प्रदर्शन का आयोजन किया गया है और उसमें हम भी शामिल हुए। जैसा कि आपने देखा कि 4 महीना से चूँकि 5 राज्यों में चुनाव था इसलिए केंद्र सरकार पेट्रोल, डीजल, एलपीजी सिलेंडर, एलपीजी गैस किसी भी चीज़ का मूल्य नहीं बढ़ाया और जैसे ही चुनाव समाप्त हुआ, रिजल्ट आया और उसके बाद रोज़ पेट्रोल, डीजल, एलपीजी, खाद्यान्न पदार्थ, खाद्यान्न तेलों पे दाम बढ़ना शुरू हो गया है। आम आदमी त्राही त्राही बोल रहा है। पेट्रोल पंप पर आप भी जाते हैं तो अपने मोटरसाइकिल और बाइक में बहुत मुश्किल से 100 रुपया का तेल डलवा रहे हैं। हम भी जाते हैं तो हमको भी वो सोचना पड़ता है कि कैसे भराएँ, कितना का भराएँ। उसके बावजूद भी केंद्र सरकार रोज वृद्धि करते जा रही है। कांग्रेस पार्टी चाहे भले वो 4 राज्यों में जीते हैं, सरकार भी बना लिए हैं, लेकिन कांग्रेस पार्टी जब तक रहेगी जनता के लिए लड़ाई लड़ती रहेगी और जब तक महंगाई समाप्त नहीं होगा कांग्रेस पार्टी सोने वाली नहीं है। और हम कांग्रेस पार्टी की ओर से मांग करते हैं कि आप ज़्यादा महंगाई मत कम करो, कम से कम 2014 में जो सूचकांक था उसके बराबर ला दो तभी हम समझेंगे कि सस्ती आ गई। आज यहाँ पर जो देश भर में बढ़ती महंगाई है उसके विरोध में यहाँ पर धरना दिया जा रहा है। आज हमारे बीच हमारे समाज का कोई ऐसा वर्ग नहीं रह गया है जो इस महंगाई से अछूता रह गया हो और हम ये जानना चाहेंगे कि आखिर क्या वजह है जो महंगाई, जिस वादे पे सरकार बनाई गई, जिन जुमलों पे सरकार बनाई गई, महंगाई को डायन बताया गया, उन सभी वादों पे, उन्हीं सब जुमलों पे सरकार बनाई गई आखिर किस मजबूरी में, किसके प्रभाव में या किसके दबाव में आज निरंतर महंगाई बढ़ाई जा रही है, किसको ये फ़ायदा पहुंचाने का काम किया जा रहा है, किस वर्ग को, किन लोगों को ये फ़ायदा पहुँचाने के लिए महंगाई निरंतर बढ़ाई जा रही है। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जो महंगाई कम करने के दम पर, के वादे पर सत्ता में, आज उन्हें जवाब देने, जनता उनसे जवाब मांग रही है और उन्हें जवाब देना पड़ेगा।